यूनिट नंबर टू पार्टनरशिप चैप्टर ना बेटा मैनेजमेंट ऑफ गुडविल इन पार्टनरशिप अकाउंट। पहले तो इस टॉपिक का नाम ही क्या है, मैनेजमेंट ऑफ गुडविल इन पार्टनरशिप अकाउंट। तक गुडविल का ट्रीटमेंट चार जगह होता है, जब पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो, जब किसी फॉर्म पार्टनर एक्शन ले रहा हो, पार्टनर जब कोई पार्टनर फॉर्म को रिटायरमेंट या उस पार्टनर की डेथ हो जाए ऑफ। ट्रीटमेंट मतलब किसी पार्टनर को डेबिट करेंगे तो ट्रेड करेंगे पाएंगे, जब गुडविल का क्या आता हो क्वेश्चन आता हो। पहले दो तीन जो क्वेश्चन होंगे उसका सर आप लोग देंगे, बाद में आगे बढ़ूंगा। गुडविल क्या होती है, व्हाट इज द मीन गुडविल। तो बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, दो तीन आंसर अपन कॉमन छांट लें। पहला आंसर होगा सर गुडविल एक टेंजिबल एसेट होती है। क्या होती है बेटे, जो कि बिजनेस को इनटेंजिबली हायर प्रॉफिट अर्न करने में मदद करती है। और कैन वी से कि गुडविल इज द वैल्यू ऑफ द रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। जब आप किसी भी बिजनेस की रेपुटेशन का मेजरमेंट करते हो और जो वैल्यू असर्टेन होती है उसे अपन क्या नाम देते हैं, गुडविल का नाम। ठीक है बेटे, गुडविल इंटेंजिबल है, इसका मतलब इसे देखा तो नहीं जा सकता लेकिन इसको खरीदा और बेचा जा सकता है, इसके बारे में सोचा है समझा जा सकता है, इसका हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, गुडविल के वैल्यूएशन करना सिर्फ बेसिस है, एक अजम्पशन बेस्ड होता है, हम लोग कुछ बेस लेकर चलते हैं, कभी भी गुडविल सही कैलकुलेट नहीं की जा सकती क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एस्टिमेशन के ऊपर बेस्ड है। तो गुडविल को कैलकुलेट कितने मेथड्स हैं आपके पास, एवरेज प्रॉफिट मेथड जिसमें दो होते हैं, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। दूसरा होता है सुपर प्रॉफिट, कौन सा बेटा, सुपर प्रॉफिट मेथड। तीसरा होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड। और चौथा होता है बेटे एन्यूटी मेथड, कौन सा मेथड, एन्यूटी। नाम सुना है कभी आपने इसका, ट्वेल्थ में था भी आप लोगों के, नहीं था, सिर्फ नाम सुना होगा, थ्योरेटिकली था। ठीक है, मैं प्रैक्टिकली भी समझाऊंगा, हालांकि अपने कोर्स में सिर्फ एक जगह एक छोटे से इलस्ट्रेशन में एन्यूटी मेथड के बारे में चर्चा की हुई है, कहीं पर एक भी क्वेश्चन ना इलस्ट्रेशन में है और ना ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन में और ना ही एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन हम लोग फिर भी डिस्कस करेंगे। अच्छा, जब गुडविल का अपन लोग मेजरमेंट करते हैं तो ये हुआ गुडविल किस बेसिस पर कैलकुलेट करेंगे, प्रॉफिट के बेसिस पर। अब ये प्रॉफिट कौन से होने चाहिए, नॉर्मल या एबनॉर्मल या टोटल। नॉर्मल प्रॉफिट जो एक्चुअली आपने बिजनेस ऑपरेशन से अर्न किए हैं, मतलब जब आप जिन भी साल का प्रॉफिट को बेस बना के चल रहे हो, अगर उन प्रॉफिट्स, बेटा मैं ये मान के पढ़ा रहा हूँ कि आपको इतना पता है ना, ये ट्वेल्थ का कुछ तो बेनिफिट उठाएंगे अपन लोग, राइट। तो मैं ये बोल रहा था कि जैसे मान लीजिए 2022 में मुझे गुडविल ऑफ द फर्म कैलकुलेट करना है, तो 2022 तो प्रेजेंट ईयर चल रहा है, तो पास्ट की जो परफॉर्मेंस होगी उसको बेस बनाकर मुझे फॉर्म की गुडविल कैलकुलेट। अब ये पास्ट की परफॉर्मेंस का मतलब कैसा होता है, प्रॉफिट से होता है। अब 2021 एक ठीक ठाक सा नॉर्मल ईयर था, लेकिन 2020 एब्सोल्युटली एबनॉर्मल ईयर था कि नहीं था, लेकिन 2019 वाज थोरली नॉर्मल ईयर, 2018 वाज थोरली नॉर्मल ईयर, 18 में प्रॉफिट था, 19 में प्रॉफिट था, 20 में जबरदस्त लॉस आ गया, 21 में प्रॉफिट बहुत कम था। तो क्या 20 और 21 वाले ईयर में फर्म की गुडविल डैमेज हो गई थी क्या, नहीं, गुडविल थोड़ी डैमेज हुई थी, वो तो एनवायरनमेंट ऐसा हो गया था कि अपन दुकान ही नहीं खोल पा रहे थे, 4 महीने 6 महीने लॉकडाउन लगा, अब दुकान नहीं खोल पाएंगे, ऑब्वियस ही बात है, जहां 12 महीने अर्न करते थे अब आपने केवल 6 महीना अर्न किया, जहां आप साल में 12 लाख रुपये कमाते थे वहां पे आप 4 से 5 लाख रुपये पर आ गए, तो आपका एबनॉर्मली प्रॉफिट जो है वो रिड्यूस हो गया कि नहीं हो गया। तो जब मुझे गुडविल का मेजरमेंट करना पड़ेगा तो इस एबनॉर्मल लॉसेस को मुझे ऐड कर देना चाहिए, और कोई एबनॉर्मल गेन हो गया तो उसे लेस कर देना चाहिए। एम आई क्लियर बेटा, तब जाकर बिजनेस की क्या निकल कर आ जाएगी, गुडविल। बात समझ में आ गई बेटा, या नॉर्मल प्रॉफिट निकल कर। अब सबसे पहला मेथड कौन सा है, एवरेज प्रॉफिट। दो मेथड होते हैं इसमें, पहला, दूसरा, चले सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल का फॉर्मूला बोलिए, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेजेस, पूरा बोलो, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज।
अभी सिंपल एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, जिस ईयर में आप गुडविल कैलकुलेट कर रहे हो उससे पिछले जितने भी साल के प्रॉफिट आपने अक्यूमुलेट किए हैं उन सभी प्रॉफिट को क्या करेंगे आप ऐड, और उनके नंबर ऑफ प्रॉफिट से क्या कर देंगे, ईयर से डिवाइड। मान लीजिए 4 साल के प्रॉफिट हैं 1.5 लाख रुपए, अब डिवाइड किससे करेंगे, 4 से या 3 से, क्यों, प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। क्वेश्चन में आया 2 ईयर ऑफ परचेज गुडविल कैलकुलेट कीजिए, तो जो एवरेज प्रॉफिट आया था 1,50,000 डिवाइड बाई 4 किया, 37,500 आया था, मल्टीप्लाई 2 कर लिया, 75,000 का गुडविल आ गया कि नहीं। इट वॉज वेरी वेरी इजी, मुझे कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत है क्या, बट एक्सप्लेनेशन कहाँ बनती है, वेटेड एवरेज। ये वेटेड एवरेज मेथड क्या होता है और उसकी क्या जरूरत पड़ती है बताइए। चलो बिल्कुल सही आंसर है, आपने बोला कि सर इसमें कुछ वेट्स दिए जाते हैं और जो सबसे लेटेस्ट ईयर होता है हमारे लिए उसे क्या देते हैं, सबसे ज्यादा वेट देते हैं। ये आता क्यों है, ट्रेंड, प्रॉफिट्स में जब क्या शो हो रहा हो, ट्रेंड, तो अपन लोग क्या दे देते हैं, वेट। इसके पीछे का पर्पस बताओ, ट्रेंड है तो ही वेट क्यों देंगे, ट्रेंड नहीं है तो वेट क्यों नहीं। शाबाश, ताकि करंट ईयर में पास्ट ईयर के ट्रेंड को देखते हुए करंट ईयर में बिजनेस की गुडविल का वैल्यूएशन प्रॉपर आ सके। हार्दिक मुझे अपना बिजनेस बेचना चाहता था, आपका नाम बोलो दोस्त, अंश। अंश ने हार्दिक को बोला कि भाई बिजनेस तो बेच देना, बिजनेस की वैल्यू कैसे निकलती है, एसेट माइनस लायबिलिटी। हार्दिक ने कहा सर मेरे बिजनेस की जो एसेट है वो कितने रुपए की है, 1 करोड़, और मेरे बिजनेस की जो लायबिलिटी है वो कितने, 60 लाख। मैंने कहा ठीक है हार्दिक, मैं तुम्हें कितने रुपए का चेक दे दूंगा, 10 दिन बाद हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे और मैं तुम्हें 10 लाख रुपए का चेक दूंगा, तुम्हारे बिजनेस की ओनरशिप मेरी हो जाएगी। हार्दिक ने कहा नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, शाम को बातचीत हो गई, दो दोस्त हैं आपस में मिले, अंश ने बोला हाँ भाई खरीदार मिल गया बिजनेस का, बोले हाँ मिल गया सर, मिल गया 40 लाख में। बोले तूने 40 लाख रुपये कैसे कैलकुलेट किया, उसने कहा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ असेट कैलकुलेट कर ली, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लायबिलिटी कैलकुलेट कर ली, बिजनेस की प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैपिटल निकल कर 40 लाख मान लिए सर ने कहा ठीक है 10 दिन बाद अपन लोग डील फाइनल कर लेंगे। अंश क्या बोलेगा, भाई तुझे अपने बिजनेस की क्या लेनी चाहिए, गुडविल का भी। उसने बोला यार गुडविल कैसे ली जाए, होती क्या है। उसने क्वेश्चन किया हार्दिक से, क्या रोहित सर तेरा बिजनेस, क्योंकि तू उनका जानकार है इसलिए तेरा बिजनेस खरीद रहे हैं क्या, उनको तेरे बिजनेस में प्रॉफिट अर्निंग दिख रही है कि नहीं, तो ये प्रॉफिट अर्निंग जो तेरे बिजनेस में तूने कमाई थी कल से यही प्रॉफिट उनका हो जाएगा कि नहीं, तो तू उन्हें अपने बिजनेस की असेट ही नहीं दे रहा है, अपने बिजनेस की वर्थ ही नहीं दे रहा है, साथ ही साथ जो तूने प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी जो बिजनेस को दी है एक्चुअली तू वो भी उन्हें बेच रहा है, जैसे तू अपनी असेट माइनस लायबिलिटी बेच रहा है वैसे प्रॉफिट कमाने की कैपेसिटी भी तूने बेच रहा है, तो तूने असेट माइनस लायबिलिटी का तो पैसा ले लिया लेकिन उस प्रॉफिट अर्निंग कैपेबिलिटी का पैसा नहीं लिया, उसे ही क्या नाम देते हैं, गुडविल। बात तो सही है इसकी। इसने कहा कैसे कैलकुलेट करूं, इसने कहा पिछले 4 साल के प्रॉफिट देखा, 2018, 2019, 2020 और 2021। बोला 2018 में प्रॉफिट कितना था, 1 लाख, 2019 में कितना हो गया, फिर ये हो गया 1,10,000 और फिर हो गया 1,20,000। तो अंश ने कहा देख भाई अगर हम लोग सिंपल एवरेज लेते हैं तो अपन इन चार को क्या करें, प्लस डिवाइड बाय 4, प्लीज यूज कैलकुलेटर। 4,35,000 आया क्या, 4,35,000 डिवाइड बाय 4 करो, देख 1 लाख, और मान लो 2 ईयर ऑफ परचेज आ रहा है 2,17,000, तो रोहित सर से हार्दिक को गुडविल के कितने पैसे मिलेंगे। हार्दिक ने कहा ठीक है मैं इन सबका एवरेज कर लेता हूँ, 2 ईयर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 2018 में प्रॉफिट किसका था, हार्दिक का, 2019 में प्रॉफिट किसका था, हार्दिक का, लेकिन पुराने के कंपैरिजन में नए वाले ईयर में प्रॉफिट ज़्यादा था कि नहीं, तेरी मेहनत का तूने पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल ज़्यादा प्रॉफिट कमाया, 2020 में भी प्रॉफिट तूने ज़्यादा कमाया, 2021 में भी प्रॉफिट तूने ज़्यादा कमाया, और अगर 2022 में तू बिजनेस कंटिन्यू कर रहा होता
तो 2021 के मुकाबले में 2022 में भी ज्यादा प्रॉफिट तू ही कमाता कि नहीं कमाता? लेकिन 2022 में तू अपना बिजनेस किसको बेच देगा? और वो ज्यादा प्रॉफिट किसका होगा? सर का। तेरे को नुकसान हो गया कि नहीं हो गया? सही है, तुमने कहा था कि जब प्रॉफिट में एक ट्रेंड दिखाई दे रहा हो, इधर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, तो उस ट्रेंड का भी तो हमको कंसिडर करना चाहिए। इसके लिए कौन सा मेथड बना है? वेटेड एवरेज। कोई बात नहीं, कैसे कैलकुलेट करें इसको? क्या दे दो? वेट। मैंने कहा वेट 1, 2, 3, 4 वेट दे दिया। अभी 1, 2, 3, 4 क्यों दिया? 4, 3, 2, 1 क्यों नहीं दिया? उस पर भी चर्चा कर, हालांकि उसने बता दिया था जिस साल में गुडविल कैलकुलेट उससे ठीक पिछले वाले को सबसे ज्यादा वेट देते हैं। लेकिन इसका कारण क्या है? लॉजिकल भी अपन लोग देख लेंगे। ये तो क्या है बेटे? प्रॉफिट्स। क्या है बच्चा लोग? और जैसे ही वेट्स को प्रॉफिट से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या बन जाएंगे? वेटेड प्रॉफिट्स। नाउ पहले साल में चार लाख टोटल बताइए, टोटल ऑफ वेट आज समझ में आ गए? नाउ वेटेड एवरेज प्रॉफिट, लाख 12। आ गई बात समझ? आओ बोलो देखें, 2 लाख। ओके बेटा, मैं एवरेज प्रॉफिट में तो कितना पैसा पे करता? 2,17,500। और वेटेड एवरेज में कितना दे रहा हूँ? अंश ने हार्दिक को नुकसान होने से बचा लिया क्या? अच्छा, अगर अंश किसका दोस्त होता? मेरा। और यह कहानी उल्टी हो रही होती, प्रॉफिट 1,20, 1,10, 1,5, 1 हो रहा होता, और फिर मैं इसे कहता कि मैं तो सिंपल एवरेज के बेसिस पर इसे धुने वाला हूँ गुडविल, कि मुझे समझाता कि नहीं समझाता? अरे तुम ऐसा बिजनेस खरीद रहे हो जिसमें हर साल पिछले से कंपैरिजन प्रॉफिट क्या होता जा रहा है? रिड्यूस। तो इसका नुकसान तेरे को हो जाएगा, तुझे वेटेड एवरेज लेना चाहिए। अगर वेटेड एवरेज में करता तो कहानी दूसरी हो जाती बेटे। अच्छा, फिर मैं क्या रेशो मतलब वेट 4-3-2-1 करता या तब भी 1-2-3-4 ही किया होता? 1-2-3-4 या 4-3-2-1? नहीं बेटा, प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है इसलिए 1-2-3-4 था, और अब प्रॉफिट क्या हो रहा है? डिक्रीज, इसलिए क्या होगा? 4-3-2-1। नहीं, मैं हंस नहीं रहा हूँ, तो ऐसे आ रही मुझे ऐसे। अभी क्या होगा? 1-2-3-4। रीजन बींग, इस साल में हम गुडविल की कैलकुलेशन इसे ठीक पिछला साल कौन सा था, आप सबसे ज्यादा वेट पिछले साल की अर्निंग को देंगे कि नहीं, इसी के ऊपर ज्यादा वेटेज देकर आप प्रेजेंट की गुडविल पता कर सकते हैं। जैसे मान लो अंश को मैंने नर्सरी क्लास में पढ़ाया था, नर्सरी क्लास, उसके 99% आए। कितने परसेंट आए थे? 99। फिर ये जो इसका दोस्त है इसने बोला सर अब बताओ ये अंश फाउंडेशन में कितना लाएगा? फाउंडेशन में भी 99% लाए। आपने बोला बहुत अच्छी बात है, लेकिन एट व्हाट ग्राउंड यू आर स्पीकिंग कि 99% लाएगा? मैंने कहा बोला ना कि नर्सरी में कितना परसेंट लाया था, पागल हो क्या? नर्सरी और फाउंडेशन में कितना साल का अंदर कितना गैप हो गया? मैंने कहा तो आपका मेरा जो अजम्पशन था वो गलत लग रहा है ना बेटे, रिलायबल नहीं लग रहा ना। मैं कहता अंश को मैंने 12th क्लास में पढ़ाया था एंड ही गॉट 99% इन क्लास 12th। बोलोगे हाँ अब ठीक लगता है कि यार 12th क्लास में कितना लेकर आए ये 99, तो ये फाउंडेशन में कितना ला सकता है? अब आपको मेरी बात में वजन लग रहा है कि नहीं लग रहा है? वेट लग रहा है कि नहीं लग रहा है? दैट्स व्हाई लेटेस्ट ईयर जो होता है उसको सबसे ज्यादा क्या दिया जाता है? क्योंकि वो बिजनेस की सही वैल्यू प्रेजेंट करने के लिए ज्यादा मीनिंगफुल प्रॉफिट होता है। एम आई क्लियर बेटे? इसलिए आइदर प्रॉफिट्स आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, यू विल हैव टू फॉलो द ट्रेंड 1-2-3-4। ट्रेंड होगा इंक्रीजिंग ट्रेंड में, आइदर प्रॉफिट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। एम आई क्लियर बच्चा लोग? आपको वेटेड एवरेज तो निकालना आ गया। नाउ नेक्स्ट मेथड वुड बी सुपर प्रॉफिट। पहले तो मुझे सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला बताइए। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट्स माइनस, ये तो क्वेश्चन में गिवन होंगे अपने को, ये अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ नेट नॉर्मल प्रॉफिट?
रटा पड़ा है, नालायक को रटा पड़ा है। कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटायर। जिस बिजनेस में आप इन्वॉल्व हैं उस बिजनेस में आपने कितनी कैपिटल लगा रखी है, 10 लाख। इस तरह के अदर जो पीयर्स हैं, जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उसी एरिया में इस तरह का बिजनेस करके जो पैसा कमा रहे हैं, उनका प्रॉफिट कितने रुपए का है साल का, 1 लाख। यानी 1 लाख रुपए 10 लाख लेकर कमा रहे हैं, वो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है। अब आपने भी बिजनेस शुरू किया और आपने साल के एंड में कितने का प्रॉफिट अर्न करके दिखाया, आपका नॉर्मल तो कितना होना चाहिए था, बट यू एक्चुअली अर्नड 1,05,000। तो योर सुपर प्रॉफिट इज 1,05,000 और 5,000। एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, दिस इज योर सुपर प्रॉफिट। एम आई क्लियर बेटा? गुडविल का फॉर्मूला, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेजेस। इजी हो गया बेटे, 5,000 मल्टीप्लाई 2, 3, 4, वॉट एवर द एग्रीमेंट बिटवीन सेलर एंड बायर जो होता है उसके हिसाब से तय हो जाएगा बेटा, पक्का। थर्ड मेथड बोलिए, बहुत बहुत इजी। पहले मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ओके। मैंने कहा मेरा फ्रेंड है वो बताओ कितने रुपए की कैपिटल लगा के बैठा है अपने बिजनेस में, बता सकते हो क्या आप लोग? अरे हमें क्या पता सर। अरे ऐसे बोलियां नहीं लगानी है, ऐसे ही जवाब देना है, नहीं दे सकते। आपने बोला हमें क्या पता सर, कुछ तो हिंट दो। मैंने कहा हिंट लो, वो साल में हर साल के एंड में कितना प्रॉफिट कमाता है, अब बताओ उसने कितनी कैपिटल लगा रखी है, क्या पता कितनी लगा रखी है, कुछ तो और रास्ता दो। मैंने कहा तुम बता दो क्या रास्ता, बोले ये बता दो कि वो बिजनेस किस तरह का करता है और उस तरह के बिजनेस में कैपिटल पे कितना परसेंट का रिटर्न मिलता है। मैंने कहा जिस तरह का वो बिजनेस करता है उसी तरह में अदर पर्सन अपने कैपिटल पे 10% का प्रॉफिट अर्न कर ले। आपने बोला अब तो हम बता देंगे सर, आप क्या बोलेंगे, 1,50 किसकी वैल्यू का 10% था तो वो जो 100% होगी कितनी होगी। अब आपका आंसर दो तरीके से आप मुझे बोलोगे, आपके फ्रेंड की कैपिटल 15 लाख है या आपके फ्रेंड की कैपिटल 15 लाख होना चाहिए। यू विल से दैट योर फ्रेंड्स कैपिटल शुड बी 15 लाख और इट इज 15 लाख। इट मींस आप बोलोगे सर इज रिक्वायर्ड कैपिटल शुड बी इक्वल टू 15 लाख्स, ओके। मैंने कहा चलो चल के पूछ लेते हैं। हमने कहा दोस्त तेरे बिजनेस में कैपिटल कितनी है, उसने एसेट का टोटल लगाया, लायबिलिटी का टोटल किया, वैल्यू निकल कर आ गया 12 लाख। अरे यार कैपिटल लगाकर कम लगाकर भी उसने प्रॉफिट बराबर कमा लिया, ये उसकी क्या थी, गुडविल, हिडन गुडविल हो गई कि नहीं, पढ़ा होगा आप लोगों ने। व्हेन द बिजनेस अर्न्स द सेम प्रॉफिट व्हिच वुड हैव बीन अर्न्ड एट द हायर अमाउंट ऑफ कैपिटल, डिफरेंस ऑफ रिक्वायर्ड कैपिटल प्लस एक्चुअल कैपिटल विद द गुडविल। अब आप लोगों ने बोला था गुडविल इज अ इनटेंजिबल एसेट, बोलो जरा फॉर्मूला ऑफ कैपिटल, बोलिए जरा फॉर्मूला ऑफ कैपिटल, असेट्स माइनस लायबिलिटी, और गुडविल क्या है, असेट है, और कौन सी असेट है, इंटेंजिबल, दिखाई तो नहीं देती लेकिन होती है और आपको प्रॉफिट कमाने में मदद करती है। आपको 12 लाख टेंजिबल कैपिटल दिखनी चाहिए और 3 लाख रुपए इंटेंजिबल कैपिटल। तो दिखने को तो कितनी पैसे लगा रखे, 12 लाख, हमारी कहीं गुडविल नाम की असेट एडिशनली पुशअप कर रही थी कि नहीं कर रही थी, मैं ज़्यादा प्रॉफिट कमाने में मदद। बेटा हार्दिक की भी स्वीट शॉप है, अंश की भी स्वीट शॉप है, चारों की स्वीट शॉप है साहब। टोंक रोड पे आपने देखा होगा अपन लोग रामबाग चौराहे, तो पहले सोढ़ानी स्वीट्स आता है, फिर कांजी, फिर कान्हा और फिर और भी जोधपुर वगैरह भी आते हैं, तो बहुत सारी स्वीट्स हैं बेटा शॉप साइमेंटू से। तो आपको हर बिजनेस की कुछ ना कुछ गुडविल थी कि नहीं थी, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा जहाँ पर भीड़ दिखाई दे रही है यानी कि उसने मार्केट में अपना एक रेपुटेशन जमा रखा है कि नहीं जमा रखा है, तो वो कम पूंजी लगाकर भी ज़्यादा व्यापार कर गए ना, इसका मतलब उनकी क्या थी, गुडविल थी। कैपिटल रिक्वायर्ड कितनी थी, 15 लाख, वो कर कितने में गए, 12 लाख, तो तुमने 3 लाख अपनी गुडविल का फ़ायदा उठा लिया कि नहीं उठा लिया। अन्य आगे बेटा आपको मैं फोर्थ होता है एन्यूटी मैथड, कौन सा आज समझा जाता हूँ, कल इसका हम क्वेश्चन कर ले, है ना।
एन्यूटी मेथड बेसिकली प्रेजेंट में फ्यूचर में जो रुपए की वैल्यू होगी उसको आज ही कंसिडर करते फॉर्म की गुडविल कैलकुलेट की जाती है। बेटा हार्दिक मुझसे असेट माइनस लायबिलिटी के कितने रुपए ले रहा था? अंश ने इसको क्या समझाया? अरे गुडविल के पैसे भी ले, आपस में चर्चा हो गई होगी। और पांच दिन बाद मुझे हार्दिक बोलता है सर 40 लाख रुपए नहीं लूंगा, 20 लाख रुपए गुडविल के लूंगा, यानी कि मैं आपको अपना बिजनेस कितने बेचूंगा। अच्छा ये मुझे जस्टिफाई क्या कर चुका है? असेट माइनस लायबिलिटी, ये अभी तक मुझे क्या जस्टिफाई नहीं किया। अब मैं इसे दूंगा नहीं दूंगा बात की बात है, मेरा क्रॉस क्वेश्चन क्या होगा? ये 20 लाख किसके हैं? हाउ डिड यू कैलकुलेट दिस वैल्यू? इसने बोला चल 20 लाख गुडविल के हैं, नाउ मैं बता देता हूँ कि मैंने इट कैसे करे। चलो पहले तुम दिमाग लगाओ, 20 लाख इसने कैसे किया होगा? सर कुछ एवरेज प्रॉफिट लिए होंगे, नंबर ऑफ ईयर से रिप्लाई, फॉर्मूला बोलिए जरा, मल्टीप्लाई बाय, इसका मतलब बताओ। क्या बेटा वेल ट्राई, ये 20 लाख रुपए हार्दिक मुझे दे रहा है कि हार्दिक मुझसे ले रहा है? ये 40 लाख वो मुझे दे रहा है कि मुझसे ले रहा है? तो वो तो सेल कर रहा है और मैं बाय कर रहा हूं, तो मैं क्या बाय कर रहा हूं बिजनेस की? हालांकि एसेट माइनस लायबिलिटी, और ये 20 लाख मैं क्या बाय कर रहा हूं? प्रॉफिट्स बाय कर रहा हूं, क्या बाय कर रहा हूं? प्रॉफिट। ये मुझे अपने प्रॉफिट कमाने कैपेसिटी भी बेच रहा है कि ये मुझे कह दे सर ये एसेट आप रख लो, लायबिलिटी आप रख लो, उसके जितने भी कस्टमर होंगे उसके सामने मैं दुकान खोल दूंगा कि मेरी दुकान यहाँ पे आ गई है, कस्टमर वहाँ के बजाय यहाँ, आपको मेरी बिजनेस की एसेट माइनस लायबिलिटी में इंटरेस्ट है क्या? मेरे बिजनेस के प्रॉफिट, क्योंकि ये 40 लाख रुपये लगाकर तो मैं न्यू बिल्डिंग खरीदूंगा कि नहीं खरीदूंगा, न्यू फर्नीचर न्यू मशीन लेकर आऊंगा कि नहीं लेकर आऊंगा, सुंदर सा रेस्टोरेंट बनाऊंगा, तुम्हारा पुराना क्यों खरीदूंगा? पर मेरे नए रेस्टोरेंट में कस्टमर आएगा कि नहीं आएगा किसी को नहीं पता, लेकिन तुम्हारे पुराने वाले में कस्टमर पहले भी आ रहा था, आज भी आएगा और भी आएगा कि नहीं आएगा, मैं तुम्हारे प्रॉफिट में इंटरेस्ट। उसने बोला सर आपसे क्या लूंगा, प्रॉफिट का भी पैसा लूंगा, जिसे क्या बोलते हैं? गुडविल बोलते हैं। आ गई बात समझ? ओके तुमको भी समझ में आ गई ना। अब ये इसने बोला देखो सर मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से। किसको मल्टीप्लाई किया होगा 4 से? 5 लाख को। अब मैंने कहा ठीक है तेरी बात समझ में आ गई, तूने 5 लाख को 4 से मल्टीप्लाई किया तब आ गया 20 लाख, नाउ मुझे ये जस्टिफाई करिए 5 लाख कैसे आया। मैंने कहा पिछले 5-6 साल के मेरे प्रॉफिट का एवरेज निकाल लो कितना आ रहा है, 5 लाख। तो मैं हर साल कमाऊँ 5 लाख कमा रहा हूँ, तो कल भी कितना कमाओगे आप? 5 लाख। मैंने कहा ठीक है ये 4 साल। बोले यार कम से कम 4 गुना तो मुझे प्रॉफिट लेना ही चाहिए ना आपसे, आप थोड़ी लिमिटेड रह जाओगे 5 लाख रुपए कमाकर। बोले बोलिए आपसे मैं कम से कम 4 गुना तो प्रीमियम लूंगा कि नहीं लूंगा? आपने कंपनी पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? फेस वैल्यू कितना होता है? कंपनी आईपीओ लाती है कितने पर? 100 रुपए, तो वो 10 गुना आपसे प्रीमियम ले रही है और आप देने को रेडी भी हो। आपने सुना होगा कई बार फेस वैल्यू 10 रुपए की होती है, शेयर का भाव 5000 रुपए का होता है। MRF का नाम सुना होगा, 10 रुपए का शेयर 80000 रुपए का भाव, 79,990 रुपए का प्रीमियम, आज भी हम खरीदने को पैसे हो तो समझ आ गई क्या होगा मेरी बात? तो वो प्रीमियम पे डिपेंड करता है। अब ये मुझ पे डिपेंड करता है कि मैं वो प्रीमियम इसे दूंगा या फिर नहीं दूंगा। मैंने कहा यार हार्दिक थोड़ा महंगा हो गया 4, थोड़ा कम प्रीमियम ले। इसने बोला छोड़ो ना आपकी ना मेरी, कितना दे दो? 3 लाख। तो मैं इसे गुडविल के कितने पैसे दूंगा? 40 लाख वर्थ के, 15 लाख गुडविल के, 55 दे दिया कि नहीं दे दिया? अच्छा मुझे एक बात बता, फटाफट बताइएगा मुझे तुरंत बेनिफिट कितने का मिलने लग जाएगा? मैं ओनर बन गया हूँ ना, बट क्या जो मैंने आज ही हार्दिक में 15 लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए उसका आउटफ्लो हो गया कि नहीं हो गया? ये 15 लाख मुझे क्या आज ही रिकवर हो जाएंगे? कितनी किश्तों में रिकवर होंगे? पहले किश्त 5 लाख, तीसरी किश्त 5 लाख,
बात समझ में आ रही है? जो 1 रुपए की कीमत आज है, जो 1 रुपए में आज सामान खरीदा जा सकता है, हालांकि आज भी नहीं खरीदा जा सकता, लेकिन आज जो खरीद सकते हैं, क्या उसी रुपए में वही चीज 1 साल बाद खरीदी जाएगी? मतलब रहेगा तो मेरे पास वही 1 रुपए का नोट, रहेगा तो वही 10 रुपए का नोट, वही रहेगा 500 2000 का नोट, लेकिन 1 साल बाद उस 2000 में जो चीजें आज आ सकती है कल नहीं आएगी, क्योंकि महंगाई बढ़ चुकी होगी। और अगर उल्टी बात बोलूं तो रुपए की परचेजिंग कैपेसिटी जो है वो रिड्यूस हो चुकी होगी। बात समझ में आ गई? मुझे भी हार्दिक को इस एन्यूटी फैक्टर को ध्यान में गुडविल का पैसा देना चाहिए था। बोलो बेटे, अब हार्दिक अगर पढ़ा लिखा है, समझदार है, एन्यूटी क्या होता है सब जानता है तो ये कर देगा, नहीं जानता तो क्या बोलेगा, मेरे को तो नहीं आती, जिसको आती उसकी दुकान खरीद, मैं तो 15 लाख रुपए ही। बात समझ में आ गई बेटा? आती कैसे? गुडविल का फॉर्मूला अपन ने क्या पढ़ा था बेटे, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर ना, यहाँ पर अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं एन्यूटी फैक्टर से। किससे मल्टीप्लाई करते हैं? अब एन्यूटी फैक्टर, हालांकि एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं है, मुझे लगता है पूछेगा भी नहीं, अगर पूछेगा तो आपको क्वेश्चन में क्या गिवन होगा, तो आप एन्यूटी फैक्टर किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, गुडविल आ जाएगा। और अगर वो भी नहीं गिवन हो और क्वेश्चन गुडविल आ जाए एन्यूटी का, तो अपन सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, एन्यूटी फैक्टर, हाउ विल वी आइडेंटिफाई फैक्टर। मान लीजिए रुपए की कीमत हर साल कितने परसेंट से डाउन हो जाएगी, क्या हम 10% को 10/100 बोल सकते हैं, क्या 10/100 को 0.10 बोल सकते हैं? यूज कैलकुलेटर, मैं दोबारा नहीं बोलूंगा, एक ही बार बोलूंगा, एक ही बार सुन लीजिए, चेक कर लो आवाज आ रही है कि नहीं आ रही, मेरी पीछे आ रही है बराबर आवाज, एक ही बार बोलूंगा, दो बार नहीं बोलूंगा बेटे। प्रेस 1 डिवाइड 1.10 कर दिया, जितना कहूं उतना ही करेंगे, ठीक है, इक्वल्स टू क्या आया, 0.919090 आ गया। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। आज जो 1 रुपए की 100 पैसे की कीमत है, वो 1 साल बाद 100 पैसे की बजाय कितनी रहेगी, लगभग 91 पैसे ही रहेगी। प्रेस अगेन इक्वल्स टू 0.823 आ रहा है क्या, 826, मतलब जो आज 1 रुपए में 100 पैसे की कीमत है वो 2 साल बाद लगभग 83 पैसे के ऊपर रह जाएगी। समझ आ रही है मेरी बात, वैल्यू डिक्रीज हो रही है कि नहीं हो रही है, अगेन इक्वल्स टू, मतलब जो आज 1 रुपए है वो 3 साल बाद 75 पैसे ही गिना। समझ आ रही है, 3 साल ही, क्योंकि मैंने गुडविल भी कितने साल के लिए है, 3, समझ गए मेरी बात। अगर मैं 5 लाख को किससे मल्टीप्लाई करूं, 1 से, तो 5 लाख 15, मतलब अगर हिंदुस्तान में पूरे वर्ल्ड में क्या नहीं हो, महंगाई का लफड़ा नहीं हो, तो जो 5 लाख में आज चीज खरीद रहा हूँ वही 5 लाख में कल भी खरीदूंगा, वही 5 साल बाद भी खरीदूंगा, टेल मी, ये सुनो। लेकिन जो मैं 5 लाख रुपए आज किसी को दूं और कोई मुझे 5 लाख रुपए 1 साल बाद दे, तो जो मैंने आज 5 लाख रुपए दिए हैं उसकी कीमत 1 साल बाद मल्टीप्लाई जरा 5 लाख से करके 0.91 मल्टीप्लाई बाय 5 लाख, फटाफट 4 लाख कम हो गई कि नहीं हो गई। अब 5 लाख को 0.826 से मल्टीप्लाई कीजिए, और कम हो गई ना, फिर 5 लाख को 0.751 से मल्टीप्लाई कीजिए, कहाँ 5 लाख की वैल्यू कितनी रह गई, 3 लाख, तो मुझे हार्दिक को 15 लाख देने चाहिए थे या इतने 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 का टोटल देना चाहिए, इतने का टोटल देना चाहिए। बात समझ में आ गए? अब मैंने क्या कहा था, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय एन्यूटी फैक्टर। नाउ एवरेज प्रॉफिट कितना था, इसका टोटल लगाओ 0.91, 0.826, 0.751, टू पॉइंट मल्टीप्लाई करो 5 लाख मल्टीप्लाई 2.487, 12,43,500 रुपये, ये लो साहब। तो मैंने तो दिए कितने होंगे इसको, 5 लाख मल्टीप्लाई 3 = 15 लाख, लेकिन मुझे कीमत कितनी रिकवर होगी, 12,43,500, तो नुकसान हार्दिक को हुआ कि मुझे। तो बड़ी बड़ी कंपनीज जब आपस में क्या करती है दूसरे को पैसा दे, फैक्टर को ध्यान दें।
एन्यूटी। आप जब सीए बनते बनते आप लोग जब कोर्स आपका होगा सीए बनने तक, उसमें आप सीए इंटर में भी ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ लोगे, इंटर फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट टाइम वैल्यू ऑफ मनी, और आप लोग जब सीए फाइनल में आ जाओगे तो सब्जेक्ट है आफा मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल कुछ तो भी है एक्चुअली, उसमें तो आप लोग पूरा ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी मार्केट में किस तरीके से प्राइसेस चेंज होती है उनको ध्यान में रखोगे। कितने मेथड पढ़ाए आपको मैंने, एवरेज, वेटेड एवरेज, सुपर, कैपिटलाइज और एन्यूटी, चारों सन में आ गए क्या बेटे? कल जब हम मिलेंगे तो इस चैप्टर के इलस्ट्रेशन ओके।